होशंगाबाद में अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर और एसपी सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर दुकानदारों द्वारा रखे गए सामानों को हटाया गया और पक्के अतिक्रमण को भी तोड़ा गया। शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए एक बार फिर मुहिम शुरू हो चुकी है। जिला शासन के आला अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। एसपी से लेकर कलेक्टर ने सड़कों पर उतर कर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। शहर के सबसे अव्यवस्थित मीनाक्षी चौराहा पर प्रशासन ने अचानक से अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू कर दी। कलेक्टर धनंजय सिंह और एसपी संतोष सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने इलाके का मुआयना कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर धनंजय सिंह का कहना है, लोगों को अतिक्रमण के चलते आ रही परेशानियों के कारण लगातार शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। अभी आगामी त्यौहारों को लेकर हम सभी लोगों ने शांति समिति की बैठक आयोजित की है। इसके पहले हम लोग, मैं और एसपी साहब और हमारा पूरे लोग, हमारा अमला, आज हम लोगों ने शहर के जो व्यस्त चौराहे हैं, मार्गों का आज भ्रमण किया है। काफ़ी जगहों पर हमने पाया कि अतिक्रमण के कारण जो यातायात है उसमें परेशानी आ रही है। तो अब हम एक सतत रूप से, नियमित रूप से अतिक्रमण को, जो जिसके कारण लोगों के आवागमन में परेशानी हो रही है, उसको हटाने की कार्रवाई हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और ये सतत रूप से चलेगी। इसके लिए जो भी आवश्यक होगा, जहाँ जहाँ पर भी जो संबंधित वहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे भी चर्चा की जाएगी, जिससे कि सभी के सहयोग से हम लोग एक बेहतर यातायात की व्यवस्था दे सकें और एक सुंदर व्यवस्थित शहर को तैयार कर सकें। सर, कई पक्के अतिक्रमण हैं, उनको लेकर भी कार्रवाई किया है, क्या है कि कार्रवाई क्या है? पहले भी जारी रही है लेकिन छोटे स्तर पर ही बंद हो जाती है उसको लेकर। हमारा प्रयास ये रहेगा कि कार्रवाई हम एक सस्टेनेबल बेसिस पे लंबे समय तक चलाएं, जिससे कि जो आम शहरी है उसको जो परेशानी आ रही है अतिक्रमण के कारण, उनका मूवमेंट, ट्रैफिक, यातायात, सभी चीज़ों में परेशानी आ रही है, वो सभी चीज़ों में उनको सुविधा मिले। और यदि इसमें कहीं ऐसा पाया जाता है कि जो अतिक्रमण है वो ऐसे स्थानों पर है जहाँ पे रोड बाधित हो रही है, तो वहाँ पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सर, यातायात को लेकर भी कुछ यातायात सिग्नल वगैरह लगाए जाएंगे शहर? यस, बिल्कुल, ये भी एक बिल्कुल सही आपने बिंदु उठाया। हम लोग जहाँ पर शहर के व्यस्त चौराहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स को भी